जिला परिषद में आरक्षण नहीं मिला था, जैसा कि महिला वर्ग रहा तो उनको 4 साल का यानी कि 4 टर्म का स्टडी करने के बाद में आयोग स्थापन करने के बाद जो कोर्ट में जो आए सबमिट करे अहवाल वो वजह से ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिला है। लोग खुश है और सब जाति धर्म को इसमें चूल्हा लड़ने की संधि मिलने वाली है। सर क्या कहेंगे आज जिला परिषद का जो निकाल लगा है आरक्षण का? अपने कलेक्टर साहब ने बहुत पारदर्शक आरक्षण निकाला है। सुनील चौहान साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन था बट उन्होंने जो आरक्षण निकाला है एक पिछला रिकॉर्ड 2002 का 2007 12 और 17 ये 4 सालों का इलेक्शन मद्देनज़र रखते हुए जो लोगों को आरक्षण मिला था और जिस जिला परिषद में आरक्षण नहीं मिला था जैसा कि महिला वर्ग रहा तो उनको 4 साल का यानी कि 4 टर्म का स्टडी करने के बाद में जिनको आरक्षण बाकी था महिलाओं को वो विलेज को उन्होंने कंपलसरी इसमें लेके आरक्षण दिया है, यानी कि बहुत बढ़िया आरक्षण निकाला है सभी के फेवर में। और आने वाले समय में जो जो भी पार्टी रहो या फिर कोई कार्यकर्ता रहो जो अच्छा काम करेगा पब्लिक के फेवर में काम करेगा उसको जनता चुन के देने वाले, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये टोटल 70 गटों के लिए था, उसमें से SC ST OBC जिसको BCC बोलते हैं अभी BCC और जो ओपन बचे हैं उसमें से, और गवर्नमेंट का रूल क्या है कि सभी आरक्षण में से 50% महिला को आरक्षण देना चाहिए, उस हिसाब से आरक्षण निकाला है। बहुत ही बढ़िया आरक्षण हुआ है, मैं उससे सहमत हूँ जिलाधिकारी से। आपका क्षेत्र कौन सा है और आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कैसा रहेगा उस बारे में तफसील बताएं। मेरा जिला परिषद का मंडल जो आता है वो आडुल सर्कल आता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पैठन तालुका चिटनीस हूँ, मेरा नाम गजानंद बोहरा है। आडुल सर्कल में यहाँ से आगे जो भी है तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही है। पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है, केंद्र के धरती पे लोगों का काम हो रहा है, किसानों का काम हो रहा है, इस हिसाब से आने वाले समय में आडुल सर्कल से भारतीय जनता पार्टी का सीट निकलने वाला ये तय है। अभी जो ग्रामीण में आरक्षण जो जाहिर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का काम कैसा रहेगा? ग्रामीण में रहो या फिर शहरी रहो, जैसा कि अभी ग्रामीण का चुनाव चल रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी का काम केंद्र से लेके राज्य लेवल तक जो आम इंसान है उसके फेवर में काम हो रहा है पूरा। उसमें अपना किसान भाई रहने दो, मजदूर वर्ग रहने दो, इनके फेवर में जो भी कायदे बन रहे हैं कि किसान के फेवर में बन रहे हैं, किसान को कैसे सक्षम किया जाएगा इस हिसाब से कायदे बन रहे हैं। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मेरा नाम गजानंद बोहरा, मैं आडुल सर्कल से आता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पैठन तालुका चिटनीस हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास अदर भी बहुत सारे पद है, जो जिला लेवल के 2 पद है, तालुका लेवल का भी है। आज जो जिला परिषद के जिला ड्रॉ हुए हैं ओबीसी के बारे में तो आपका क्या कहना है? सर ये भारतीय संविधान में जो घटना लिखी हुई है उस हिसाब से लोकशाही मार्ग से आज जो ड्रॉ हुए है इसमें हम सब लोग खुश है और सब जाति धर्म को इसमें चूल्हा लड़ने की संधि मिलने वाली है। और ये जो लोग आप कल लड़ने वाले इनको सबको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभेच्छा देते हैं और इनके हाथ से अच्छा काम एक औरंगाबाद जिला परिषद में होना चाहिए इस प्रकार की शुभेच्छा देते हैं। 27% जो हाईकोर्ट का निकाल सुप्रीम कोर्ट का निकाल था उस हिसाब से आरक्षण आज जिलाधिकारी कार्यालय में निकाला गया और ये आरक्षण में सभी लोग खुश है, सभी जाति धर्म के सबको न्याय मिला है और सबको एक लोक सेवा करने की संधि आरक्षण से मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी इस बार क्या जिला परिषद में कांग्रेस का झंडा लहरा पाएंगी? 100% हमारे वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी, डॉक्टर कल्याण राव जी काले ये मिलके हम सोच रहे कि ये जिले में फिर से महाकास आघाड़ी का एक गठबंधन करके जिला परिषद में कांग्रेस 100% अपना झंडा लहराएंगे। सर अभी जिला परिषद में तो आरक्षण मिल गया है, महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं
तो क्या महानगर पालिका में भी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए आप मांग करेंगे? सब महानगर पालिका में तो ऑलरेडी आरक्षण है और उसमें भी सब जाति धर्मों को काम करने की संधि मिलेगी। मैं रामराव सिड़के, औरंगाबाद तालुका कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। सर क्या कहेंगे आज जो आरक्षण आया जिला परिषद? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अपने घटना लिखी है उस हिसाब से अपने को आज ओबीसी आसो, एससी आसो, एसटी आसो, इन सब धर्मों को न्याय मिला। और दूसरी बात ये जो कि महाविकास आघाड़ी ने भाटिया आयोग जो अपन ने स्थापित किया था उस आयोग की वजह से ओबीसी को भी आज 27% ये अपने को आरक्षण मिला हुआ है। इस तरह से हम सब टोटल कांग्रेसवासी ये निकाल से खुश हैं। गुलाम भाई ने क्या आप कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कायम रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे। अभी 5 जगह वहाँ पे आई हुई है, उसमें से 5 की 5 जगह हम महाविकास आघाड़ी मिला के जो जो वरिष्ठ न्याय ये देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। संदीप बोर से तालुका अध्यक्ष फुलंबरी। सर जो जिला परिषद का आरक्षण का ओबीसी का निकाल लगा है अभी, आप औरंगाबाद पंचायत समिति से हैं, क्या कहेंगे आप? औरंगाबाद जो अभी निकाल लगा है वो महाविकास आघाड़ी सरकार ने भाटिया आयोग जो गठित किया था उसके वजह से ओबीसी को 27% आरक्षण निकाल के आज उसका ड्रॉ हुआ है। जो औरंगाबाद तालुके में पंचायत समिति में 27% आरक्षण दिया हुआ है, जिला परिषद में 27% आरक्षण, उसके हिसाब से आज जिला परिषद में ड्रॉ हुए है। जो भी नतीजा है हम कांग्रेस पार्टी के तालुका स्तर पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता से महाविकास आघाड़ी सरकार को धन्यवाद देते हैं। सर औरंगाबाद की जनता ओबीसी का जो आरक्षण उठा हुआ था उससे नाराज थी, तो कांग्रेस पार्टी उन नाराज लोगों को कैसे जोड़ने काम करेगी, उस बारे में विस्तार से बताएं। जो नाराज ओबीसी के नाराज लोग थे वो 27% कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी के जो सरकार थी महाविकास आघाड़ी, उनके वजह से 27% आरक्षण वापस आया हुआ है। ये लोगों को, सभी लोगों को, ग्राउंड लेवल के लोगों को मालूम है कि ये आरक्षण महाविकास आघाड़ी ने दिया हुआ है। इसके वजह से महाविकास आघाड़ी की जो अभी चुनाव होंगे वो महाविकास आघाड़ी को फुल सपोर्ट, जनता फुल सपोर्ट में रहेंगे उसके। आपका पूरा नाम? गजानन मते, पंचायत समिति मेंबर। आरक्षण का निकाल लगा है, उस बारे में क्या कहते? अभी जो जिला परिषद औरंगाबाद का जो ड्रॉ हुआ है वो एकदम ठीक तरह से और सब कायदे तरह से हुआ है कि जो कोई महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो बांटे आयोग स्थापन किया था तो वो बांटे आयोग स्थापन करने के बाद जो कोर्ट में जो आय सबमिट करे अहवाल वो वजह से ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिला है, ये सब जानते हैं। क्योंकि कोई कोई बोलते हैं हमारा सरकार आने के बाद आरक्षण मिला, ये सब झूठ बात है। इस साल आप हम बाजरे लगाए लगीज निकाले तो जिसने लगाए उस वही निकाल सकता ना, तो वैसा ही महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो बांटे आयोग स्थापन करके वो अहवाल तैयार किया था उस वजह से सब ओबीसी समाज को न्याय मिला है। वो मिलने की वजह से हम सब समाधानी और सब समाज को वो आरक्षण का फायदा होने वाला, क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण जिले में मिला है जो कि कोर्ट में जो निकल दिया है। समाज के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन औरंगाबाद जिले में 27% मिला, एसटी को मिला, एससी को मिला और महिला को 50% आरक्षण का भी, पूरे 70 जो सर्कल थे उसके अंदर 50% महिला का भी आरक्षण उसमें मिला है। आपका क्षेत्र कौन सा है? मैं औरंगाबाद तालुके में अड़गवा सड़क पंचायत समिति से, पंचायत समिति में दो बार चुन के आया वाला था, पंचायत समिति औरंगाबाद में सभापति रहा था और मेरा गढ़ है लाड़ सिंह जिला परिषद गढ़ से, मैं वो गढ़ में मेरा गांव है। अभी आप कौन सी पार्टी से मिलना चाहते हैं? मैं जब से हम पैदा हुए तब से कांग्रेस का काम करते हैं और आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर कल्याणराव जी काले साहब इनके नेतृत्व में हम पार्टी का, उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। आपका नाम? मैं मनोज शिजूर, माजी सभापति पंचायत समिति औरंगाबाद। क्या कहेंगे सर आज जो आरक्षण लगा है जिला परिषद का, तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कैसा रहेगा आज ग्रामीण में? ग्रामीण में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। आज जो आरक्षण छूटा, जो भाटिया आयोग ने, आयोग जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो स्थापन किया था वो आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना अहवाल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण डिक्लेयर किया, इसलिए सभी समाज को इस वजह से न्याय मिला और ये महाविकास आघाड़ी के पीछे सर्वसाधारण जनता रहेगी, इसमें कोई ये नहीं। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। गणेश पवार, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस संगठक तथा उप सरपंच लाड़ संघ।